काफी ज्यादा पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर, पूरे रोड में पत्थर ही पत्थर हो गए इधर गिर गिर के। और ये सूरज ताल बेहद खूबसूरत, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हैं सरचू में, यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं मनाली के लिए। बाइक पैक कर चुके हैं, पूरी सामान वामान सारा सेटल हो गया है, बस मुझे अपना जैकेट पहनना है। स्नेहा तो पूरी सेट है, स्नेहा निकलने के लिए तैयार है, बहुत ज्यादा ठंडी। सो आज का जर्नी कुछ 5-6 घंटे का ही है, ज्यादा है नहीं। फटाफट से हम निकलते हैं सरचू से और पहुंचते हैं मनाली और आपको दिखाते हैं सुंदर वादियां। चलिए, सरचू से निकल चुके हैं, इधर लाइन से सारे कैंप्स ही है, तो आप जहां भी चाहें वहां पे रुक सकते हैं। प्राइसेस मोर ऑर लेस सबका सेम ही रहेगा, 2500 रुपये से 3000 रुपये पर नाइट फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग फूड एंड ब्रेकफास्ट। खाना भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट में भी उसने हमें ब्रेड ऑमलेट दिया था, खाने में दाल चावल रोटी सब्जी अचार गर्म पानी ये सब चीज़ें थी, तो सब कुछ सेम। ये देखो इधर भी वही सब है, तो आपको वही सब मिलेगा यहाँ पे। सो आज हमारी जर्नी का सेकंड लास्ट लेग, जहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं सरचू टू मनाली, जो कि है 222 किलोमीटर, और कल निकलेंगे क्या हो गया मनाली टू चंडीगढ़। सो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर में हम लोग घुस चुके हैं, केलोंग 107, और ये यहाँ पे भी देखो टेंट्स इस साइड भी है, दोनों तरफ बेड्स अवेलेबल। चलो भाई निकलते हैं आप मनाली की तरफ। हाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा, 16.8 डिग्री है, रात का टेम्परेचर 3 डिग्री के आसपास था और रात में स्नोफॉल भी हुई थी। 2:30 बजे करीब हमारी नींद खुली थी, तो बाहर निकल के देखा था तो स्नोफॉल हो रही थी, कवर नहीं कर पाए क्योंकि पूरा अंधेरा हो रहा था, बट देन यस स्नोफॉल वॉज देयर। से मनाली का जो रूट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि पूरे स्नो कैप माउंटेन्स है दोनों तरफ, रोड्स भी फिलहाल काफ़ी अच्छा है। एंड हमने अगर पता किया था जिस टेंट में हम लोग रुके थे, उन्होंने कहा था कि रोड्स थ्रू आउट अच्छा है, बस बीच में ऐसे छोटे मोटे पैचेस आएंगे विच इज़ मैनेजेबल। देखो हल्का सा ही पैच है बस, बट अदरवाइज रोड्स आर प्रीटी डिसेंट हियर। एंड जो चीज़ लद्दाख में नहीं मिली देखने को, ये ग्रीनरी, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। आइस बिल्कुल रोड के साइड में जमी हुई है, टेम्परेचर 13.9 है, और पहाड़ों की खूबसूरती एक अलग ही अंदाज में है यहाँ पर। ये देखो क्या आइस जमी हुई है अभी तक भाई, सबसे ज़्यादा आइस हिमाचल प्रदेश में है अभी फिलहाल, मीन्स नियरर टू द रोड। लद्दाख में भी आइस थी बट रोड के करीब इतनी नहीं थी, यहाँ तो रोड के ऊपर ही आइस हो रही है। क्या ही खूबसूरत है, टेम्परेचर 10.1 है और पूरे पहाड़ों पर स्नो 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 हो रही है। काफ़ी लोगों ने तो लेफ्ट साइड में कैंपिंग भी किया है, जो स्नोफॉल हुई है उससे और ज़्यादा स्नो रोड के साइड में अभी भी हो रही है। ये तो वैसे काफ़ी टाइम पुरानी है, विंटर्स की स्नो है, तो 9 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, साइड में पूरा बर्फ, सामने पूरा बर्फ, ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ। आ चुका है 12 लाचला पास, हाइट है 4850 मीटर्स। यस 12 लाचला, अल्टीट्यूड 4850 मीटर्स। दिस वॉज द ओनली पास जहां पे सिर्फ बर्फ है और कुछ नहीं,
पूरी बर्फ की चादर से ढका हुआ ये बारालाचला पास। दीपक ताले, सूरज ताले। हाँ, काफी ज्यादा पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर, पूरे रोड में पत्थर ही पत्थर हो गए इधर गिर गिर के। और ये सूरज ताल बेहद खूबसूरत, बड़ा सा पत्थर वहां पे गया पानी में सीधे। कहीं ऊपर देखते रहना तुम, इतनी ज्यादा ठंडी है यहाँ पर। आज मैंने लाइफ की सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड देखी, जिससे हम बचे और जिसके से हम निकले भी सही। पूरे रोड के ऊपर पत्थर पत्थर हुआ पड़े थे। गोपरे पता नहीं क्या दिक्कत थी, बार बार बंद हो रहा था। मैं चालू कर रहा था, बंद हो रहा था।